हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? जी हाँ, अभी अभी सरकार ने बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिया है और 5 सबसे बड़े ऐलान कर दिए हैं। जी हाँ, आज हो चुकी है 26 दिसंबर 2023। गरीब परिवारों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है, आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस प्रकार से अब 25 लाख रुपए तक, जी हां, आपको फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि राशन कार्ड पर भी नहीं, अब एक राशन लेने के लिए आपको राशन कार्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आधार कार्ड के जरिए भी आप राशन ले पाएंगे, ये भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वहीं पेट्रोल जो है वो किस प्रकार से सस्ता किया गया है, वह एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर से सस्ते करने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे बिजली को लेकर सरकार ने क्या कुछ बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि भाई दिसंबर का जो महीना है वो अंतिम चरण में चल रहा है, आने वाली नई साल की तैयारी में भी मोदी सरकार जुटी हुई है। 1 जनवरी 2024 सोमवार से भी आपको कुछ बड़े बड़े जो फैसले हैं वो लेकर के आपको फ़ायदा पहुंचाने की प्रक्रिया में मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी देखेंगे। उससे पहले अपने गांव, शहर, राज्य का नाम ज़रूर मुझे बताएं कि कहां से आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपकी गांव, शहर, राज्य से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने का कार्य करें। आप सभी को मैं बता दूं, लगातार मोदी सरकार नए नए फैसले लेकर के गरीबों को अमीरी की तरफ या फिर मिडिल क्लास परिवारों की तरफ बढ़ाने का काम कर रही है। जब से 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल किया है, तब से लेकर अब तक लगातार नए नए जो फैसले हैं वो लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम फैसला माना जा रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, जो कि सीधे तौर पर 5 साल के लिए बढ़ाई गई थी। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब परिवार थे भाई जिनका राशन कार्ड गुम हो चुका था या राशन कार्ड उनका किसी प्रकार से फट चुका था, लेकिन वे राशन लेने में उनको दिक्कत आ रही थी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी राशन ले सकते हैं। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राशन कार्ड की बजाय अब आप आधार कार्ड के जरिए भी राशन ले पाएंगे, यानी कि राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया गया है। बहुत से ऐसे राज्य हैं, गाँव हैं, जिनके अभी भी राशन कार्ड लिंक होने की वंचित पर है, लेकिन सरकार ने आदेश जारी कर रखी है कि 31 दिसंबर तक आप ये जो काम है ये करवा लें, अन्यथा आपको 1 जनवरी 2024 के बाद दिक्कत हो सकती है, आपको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। ये बड़ा फैसला लिया भाई, आपको अब राशन कार्ड नहीं आधार कार्ड के जरिए भी राशन मिल पाएगा, बड़ी खुशखबरी है भाई। उसके साथ साथ हम बात करेंगे गरीबों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है मोदी सरकार। जी हाँ, अब आपको 5 लाख रुपए नहीं 25 लाख रुपए तक का जो इलाज है मोदी सरकार आपको आयुष्मान भारत कार्ड में देगी। किस राज्य में देगी ये आपको मैं बता देता हूँ। पहले भाई राजस्थान में 25 लाख रुपए तक का जो चिरंजीवी बीमा योजना थी उसको लागू किया गया था, लेकिन वहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, सीधे तौर पर मोदी सरकार है। अब वहाँ पर ये जो योजना है इसका नाम बदल करके आयुष्मान भारत कार्ड योजना, वह 5 लाख रुपए का जो इलाज आयुष्मान भारत कार्ड में होता है उसको अब 25 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। वही मैं आपको बता दूं, देश भर में सभी राज्यों में अब आयुष्मान भारत कार्ड की जो लिमिट है उसको मोदी सरकार बढ़ा सकती है, यानी कि 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक आपकी आयुष्मान भारत कार्ड की जो लिमिट है वो की जा सकती है। इस पर मोदी सरकार विचार कर रही है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे पेट्रोल को लेकर, कल बहुत ही अहम बैठक ली गई थी, उस बैठक में फैसला लिया गया है कि आने वाले 1 जनवरी 2024 से पेट्रोल के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा घटने वाले, यानी कि तकरीबन 12 रुपए तक पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो घटने वाले हैं। जिन राज्यों में 100 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल मिल रहा था उन राज्यों में 88 रुपए तक पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो घट सकते हैं। इस पर सरकार लगातार विचार कर रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि गरीबों को आने वाली नई साल पर तोहफा दिया जाए। उसके साथ साथ हम बात करें एलपीजी को लेकर भी सरकार आज अहम बैठक लेने जा रही है और आने वाले 1 जनवरी से
आपको इस पर भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि LPG जो गैस सिलेंडर है वो भी रिकॉर्ड तोड़ सस्ता किया जाने वाला है। यानी कि हम बात करें सबसे पहले तो उज्ज्वला जिनके पास है, जिनके पास उज्ज्वला LPG गैस सिलेंडर जो यूज करती है महिलाएं, उनको ये जो तोहफा है ये पहले मिलने वाला है। आप सभी को मैं बता दूं, उज्ज्वला यूज करने वाली सभी महिलाओं को 300 रुपये फ़िलहाल मोदी सरकार उनको बैंक अकाउंटों में प्रदान कर रही है। आने वाले दिनों में उम्मीद जताई जा रही है कि 400 रुपये आपको उज्ज्वला जो यूज कर रही है महिलाएं उनको मिले। उसके साथ साथ आज से कैंप लगा करके भाई इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं वो राशन कार्ड पर दिए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं, गांव हैं जहां पर भाई इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं यानी कि जो बिजली से चलने वाले चूल्हे हैं वो आज से दिए जा रहे हैं। सरकार ने तकरीबन लंबे समय से तकरीबन 2 करोड़ इलेक्ट्रिक चूल्हे बनवाए थे भाई, आप सभी को मैं बता दूं, और ये गरीब परिवारों को राशन कार्ड के जरिए बांटे जाने थे। 25 दिसंबर को ही बांटे जाने थे, लेकिन आज हो चुकी है 26 दिसंबर और आज आपको कैंप लगा करके जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं ये मोदी सरकार देने जा रही है। बड़ी खुशखबरी है भाई। वहीं हम बिजली को लेकर सरकार को लगातार प्रयास किया जा रहा था कि बिजली को लेकर भी सरकार कुछ आपको खुशखबरी देगी, तो भाई खुशखबरी आ चुकी है। बिजली को लेकर सरकार ने एक और अहम फैसला लिया गया है, बिजली जो है वो भी आपकी सस्ती की जाएगी भाई। लगातार मोदी सरकार इस पर भी बैठक पर बैठक ले रही है, लेकिन अभी तक भी कोई फैसला नहीं हुआ था, लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही कि आज एक बार फिर से बिजली विभाग के साथ बैठक होगी और आपको बिजली के जो दाम है वो भी घटते हुए दिखाई देंगे। यानी कि भाई बिजली के दाम भी घटेंगे, वह जिनका पहले बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था उनका कनेक्शन भी दोबारा से जोड़ा जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं, जिनका कनेक्शन कटा हुआ था उनको मात्र 3000 रुपये भरने होंगे, चाहे उनका 1,00,000 रुपये की वजह से कनेक्शन कटा हो, चाहे 2,00,000 रुपये की कनेक्शन कटा हो, मात्र 3000 रुपये आपको भरने होंगे और आपका बिजली का कनेक्शन दोबारा से लगा दिया जाएगा। वहीं गरीब परिवार अगर आप हैं, आपको कभी भी बिजली का सुख भोगा ही नहीं था, तो आपको बिल्कुल फ्री में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। मोदी सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था बिजली जो है वो गरीब परिवारों को मुफ्त में दी जाएगी, कनेक्शन भी दिया जाएगा, तकरीबन 2 से 3 महीने की बिजली भी उनको फ्री दी जाएगी। वहीं मोदी सरकार आने वाली 1 जनवरी से आपको तकरीबन 100 यूनिट तक की बिजली भी फ्री दे सकती है, जिन राज्यों में मोदी सरकार ने गारंटी दी थी चुनाव के समय में भाई। हाँ सही मैं बता दूं, 3 राज्यों में चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और वहाँ पर अब आपको बिजली जो है उस पर छूट दी जा सकती है। आगे भी छोटी बड़ी योजनाओं के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जितनी भी जानकारी आएगी चाहे केंद्र लेके आए राज्य लेके आए सबकी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी ने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।